मेरठ कहीं हमको चाय मिल जाए हनी कटोरी हनी कटोरी काजू पिस्ता गैलरी के होनहार शायर और कवि इसकी बरात किसका क्या नाच हम रहे हैं। वेलकम टू बनारस। फाइनली हमारी ट्रिप में रस शुरू हुआ बनारस से। एक पान खाया दूसरे पान खाने की तलब मच रही है और देखिए बनारस में आ गए। बनारस आ गया तो ये एक अलग ही दुनिया में हम आ गए हैं। बनारस में आपका स्वागत है। हरा हरा महादेव। मेरे लाइफ में मुझ पर कई लोड आए लेकिन एक लोड बड़ा अजीब आया और आप देख सकते हैं मेरे पे क्या लोड आया है। मैं ऊंट चला रहा हूँ, इनको घुमा रहा हूँ, ये लोड आया मेरी लाइफ में। नंगे पैर घूम रहा हूँ मैं, क्या हाल हो गया मेरा, कोई बचाओ मुझे। ये है मेरे पति और मैं जो हम हनीमून में आए हैं और हम बनारस आए हैं। बनारसी पान का मजा ही कुछ और होता है। बनारसी पान इज फैंटास्टिक। बाय। वापस आ गए नदी पार करके। अब हम विवेक बताएंगे, विवेक हमें कहाँ आए हैं और हम क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये हम हैं गोदरिया पे और ये पीडीआर मॉल है। पीडीआर मॉल के ठीक सामने हम यहाँ पे खा रहे हैं मलाइयो। ये देखिए दूध सागर के नाम से है इनका मलाइयो। और ये कुछ ऐसा होता है और वो कुछ ऐसे बनता है। मलाइयो उन्होंने डाला कुल्हड़ में, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे वो चम्मच लगा के और मलाइयो तैयार। इसके बाद कैसे का दूध डालता है जो कि हम आपको कैसे पीते हैं और कैसे खाते वीडियो में दिखाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के, मतलब ब्रेक के बाद ही, मतलब पीने के खाने के बाद। भाई ये है आपकी मलाइयो, दिल्ली की दौलत की चाट। कुल्लड़ को बोलते हैं हम पुरवा, तो हम पुरवे में खाएंगे मलाइयो। इसके बाद में देंगे वो केसरिया दूध ठंडा। वेरी गुड। तो शुभारंभ करते हैं सोमी से। फाइनली मलाइयो जो सिर्फ विंटर्स में मिलता है। विंटर क्यूजीन है, ये विंटर क्यूजीन है ना यहाँ का। गर्मियों में नहीं मिलता ये। देखने में जो लग रहा था कि काफी हैवी होगा बट नहीं है ऐसा। दिखने में मुझे लग रहा था कि इसकी एक बाइट खाती मेरा पेट भर जाएगा, बहुत हैवी होगा देख के लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हम इसकी स्टोरी बनाना भूल गए लेकिन मेरे वाले से बना लेंगे। तो यू आर लकी इनफ कि आप विंटर्स में आए हैं और आपको खाने को मलाइयो। फाइनली मलाइयो चीयर्स वाला मलाइयो चीयर्स मलाइयो चीयर्स। तो आप मैं भी खा के देखता हूँ मलाइयो कैसा होता है। इसी खासियत ही है। अबे ये तो बहुत लाइट है, झाग टाइप का बोलते रहे वो दूध के झाग। अच्छा है, बनारस आए तो मलाइयो जरूर खाएं। मतलब जब भी आए विंटर्स में और मलाइयो जरूर खाएं। मलाइयो मलाइयो। ये दूध है, मैं कैसा है दूध दे रहे। तो हम पियेंगे दूध वेलकम टू बनारस। मजा आ गया। अब समझ में आ रहा है इससे हमारी अच्छी क्या प्यार बुझ जाती है। मतलब पी भी लिया और अभी भी हो रहा है। सही है, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब दूध खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं अभी और भी चीज़ें का ट्राई करेंगे। बाय। हेलो गाइस, हम हैं काशी चाट भंडार के यहाँ पे और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है लोगों की। काशी चाट भंडार, हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ से मिली है टमाटर चाट
जैसे कि विवेक ने बोला कि ट्राई करके देखो, ये है दुकान और ये इस वक्त बताएगी कि टमाटर चाट कैसी है। सही है, मीठा है, स्वामी को सुसु लगी है तो वो तो होटल चला गया, तो हमने कहा कि हमने सोचा कि हम ही लोग खा लेते हैं, चलो मैं भी खा लेता हूँ फिर। यहाँ बड़ी वजह बोली आ रहे, मजा आ गया, बनारस आए भले लाइन में एक घंटा खड़ा होना हो बट टमाटर चाट जरूर खाए, बहुत अलग है। अब तक जितनी भी चाटें खाई हैं मैंने उन सबसे अलग चाट है, ऐसे चटकारे लेके खाएं। स्वामी तेरी ठंडी हो जाएगी, बट हम गर्मा गर्म खाएंगे क्योंकि हम नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें सुसु नहीं आएंगे। कैसी है? अच्छी है ना? ये अब तक की सबसे डिफरेंट चाट खाई है जो हमने खाई है। आज तक कोई चाट नहीं खाई, कोई चाट नहीं खाई, किसी ने भी कभी ऐसी चाट खाई नहीं होगी। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ आपको बनारस में मिलेगी। अभी तो इस सफर में हमें पता नहीं कैसा कैसा खाना खा रहे हैं जो किसी ने कभी नहीं खाया होगा। तो अभी सफर तो शुरू ही हुआ है, हम बता दें कि ये हमारा दूसरा दिन है, कल हम लखनऊ में थे, आज हम बनारस में हैं और हम पूरा इंडिया घूमने वाले हैं। तो आपको बताते रहेंगे कि पूरे इंडिया में आपको कहाँ कहाँ क्या क्या खाना है, तो ये बनारस में आपको पक्का खाना है। भीड़ देखिए आप, हाँ अभी हम लोग एक गोलगप्पे भी ट्राई करने वाले हैं, उसका भी रिव्यू आपको देते हैं अभी थोड़ी देर में। उसका नाम भूल गया मैं, लेकिन गोलगप्पे का दही वाले गोलगप्पे, मीठे 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 वाले गोलगप्पे, मीठे गोलगप्पे था उसमें दही वाला। ठीक है चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, ऑर्डर देता हूँ, बाय। मेरा फोन है, ये है दही वाले गोलगप्पे, काफी चाट भंडार में वही हमें दही वाले गोलगप्पे मिल रहे हैं। देखिए कैसा लगता है, पहले मैं फैक्ट बताता हूँ कि ये गोलगप्पा का गोलगप्पा कैसा हो रहा है। आप हंस क्यों रहे हैं, क्या हमें डाउट है? आप अलग अभी अभी खाएंगे। स्टफ्ड है, बिल्कुल लोडेड लोडेड है ये, बिल्कुल ये वैसा गोलगप्पा नहीं है जो हम खाते हैं, मतलब सिर्फ सॉल्ट के बताशे नहीं है, इसमें काफी कुछ डला हुआ है लेकिन लाइट है। हाँ तो सेबी एक्सप्रेस कर रही है। तो गोलगप्पे खत्म करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फाइनली हमें एक ऐसी चीज ट्राई करनी है जो सिर्फ स्वामी ट्राई करेगा, और स्वामी फीडबैक देगा कि टेस्ट कैसा है और आफ्टर इफेक्ट्स का फीडबैक देगी। मनीषा भाई ठंडा ही लगा रहा है, फ्लेवर बताओ ना। अब सबसे अच्छी कौन सी है जो पहली बार इंसान ने पीनी चाहिए? इसको पीजिए या फिर पिस्ता, ये इसको पीजिए, आपके हिसाब से सबसे अच्छी आपके पास बेस्ट है। अगर जिंदगी में एक बनारसी बार एक बार पीनी है तो कौन सी होनी चाहिए? तो बनारसी ठंडा ही लगाइए इनके लिए। ऐसा कि भांग तुरंत नहीं चढ़ती है, भांग एक घंटे बाद चढ़ती है। हाँ हाँ, तो एक घंटे बाद वो धीरे धीरे होगा। और कब तक चढ़ती है, कितना असर रहेगा उसका? दो तीन घंटा तक रहेगा, फिर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। आज भी मिस, अरे क्यों मिस रहे यार, कोई गायब कुछ नहीं, आप जैसे हैं इसी तरह रहेंगे, और क्या मिस क्यों? लेट थोड़ा लेट रहेंगे, लेट लेटेंगे। हाँ तो कर, आज तो ट्राई कर, मैं ट्राई कर लूंगा। तो यहाँ इतने सारे फ्लेवर है, आप अपनी जिंदगी को रंगीन बना सकते हैं, मतलब हिला सकते हैं। ये मैं श्याम भू है, दुकान का नाम। और ये डला असली आइटम, इसमें भांग है, भांग लाइट या ऐसा दे भांग। एक गुड़े, एक गुड़े
चुस्की लेके पीजिए आराम से, की उसमें एक घुटकी क्यों पीना है? मुझे भी मंगा लो पूरी तो। एक से ऐसा है कि हमने भंगोटा पिया है पहले, ऐसी बात नहीं है शिवरात्रि में, लेकिन हम नॉर्मल मनाते हैं सिर्फ दूध डाल के। ये पहली बात पी रहा हूँ, देखते हैं कैसी होती है। बनारस में आए हैं तो बनारस से ठंडा ही पीनी जरूरी है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये बाद में कहना चाहेंगी जब असर हो जाएगा। मटका पीजिएगा, इसको 7-8 गिलास पीने के बाद बैंगलोर की लड़कियां आई, फिर रात को गांजा भी पिलाओ बोला। अच्छा, तो हम आ गए अपने होटल की ओर, अब थोड़ी कमर सीधी करते हैं। और ये मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अब सोमी बाद में बताएगा किसका असर क्या होता है, असर क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, और मैं भी कमर सीधी करने के बाद अंग्रेजों की गुलामी के लिए चले जाऊंगा। रिकॉर्ड करूंगी भैया, ठीक है? हाँ हाँ, चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके टाटा बाय। A few minutes later. तो जैसे कि शाम का वक्त हो गया और मेरी शिफ्ट का टाइम हो गया, और मेरा सौभाग्य है कि मैं विवेक भाई के घर पे इस वक्त लॉग इन करूँ, क्योंकि इंटरनेट की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो विवेक भाई ने ऑर्डर किया इस वक्त क्या है? ये रही सेवपुरी। ये लड़की है, ये आइटम, ये आइटम सेवपुरी है, सेवपुरी है। और ये लड़की की तरह ही बहुत जबरदस्त है चटपटी। अभी कितना जबरदस्त है हम अभी ट्राई करेंगे। सोमी सो रहा है और उसकी वाइफ भी वही है, तो वो होटल में मैं यहाँ आ गया। हाँ सर, राइट स्नैक है, कुछ अलग डिफरेंट, मजा आ गया। डे टू, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, और हम लोग अभी सुबह सुबह काशी विश्वनाथ और लाल भैरव के मंदिर में हम जाके आ चुके हैं ऑलरेडी। हम सुबह 3:30 उठ के नहाया धोया, फटाफट तैयार हुए, उसके बाद हम 4 वहाँ पहुँचे। सुबह हमें लगा था कि हम फटाफट वहाँ एंट्री हो जाएगी हमारी, बट हमें काफ़ी टाइम लग गया, 1 करीब हमें लगा वहाँ, अंदर घुस गए थे हम, उसके बाद दर्शन करने में 1 लगा। फिर उसके बाद हम गए काल भैरव के मंदिर में, वहाँ भी हमने दर्शन किए, क्योंकि उसके बिना कम्प्लीट नहीं होता है माना जाता है यहाँ पे को। उसके बाद हमने एक जगह चाय पी, हमें पीनी थी लक्ष्मी जी के वहाँ चाय, लेकिन हमारे पैसे कम पड़ गए। फिर भी उन्होंने हमें अभी 20 का उधार दिया है सुबह सुबह, तो जो कि हम अभी, अब जब वापस जाएंगे उस समय हम रिकॉर्ड भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैमरा नहीं था ना कुछ सामान था, तो हम लोग सब बिना कुछ सामान लिए गए थे। तो अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहा है हमारा, और सुबह सुबह का टाइम हमारा तो बहुत अच्छा रहा है, स्पेशली इनका थोड़ा ये टूट चुका है, नाखून टूट चुका है। तो मेरे को लग रहा है इन्होंने सच्चे मन से अपनी प्रार्थना नहीं करी, भगवान ने इनको कहा कि तड़ 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 और तड़ और तड़ तड़ हो गया है, खून टपक रहा है तड़ तड़। तो अब हम जा रहे हैं गंगा जी की आरती देखने, तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हमारा मेन कैमरा मैन जो है वह गिम्बल में व्यस्त है, और एक्शन कैमरा है वो मुझे मिला है आज, तो देखते हैं कि आज का ब्लॉग बनता कैसे है। और ये मनीषा जी हैं, इनके नाखूनों में लग चुका है चोट, जिसके कारण इनका हाथ ऐसे हो गया है कि जैसे भीख मांग रही हो। देखते हैं कितने लोग भीख देते हैं इनकी शक्ल देख के, और भीख के जो पैसे इकट्ठा होंगे उससे हम करेंगे पार्टी, उधार देखेंगे, उससे हम करेंगे पार्टी। मैं बहुत मजाक करता हूँ। मैं हूँ ही नेगेटिव। अब रुक जा, इससे करते हैं, इसको ऑन कर। दादा मुझे व्लॉगिंग नहीं करने दे रहा है, तो मैं आपसे मिलता हूँ ब्रेक के बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेच रहे हैं पंची का, हाँ, जो कि है नमकीन बेसिकली विदाउट एनी क्वार्टर। ये जो बाहर से आई हुई है फॉरेन की बेचारी माइग्रेट करके यहाँ आई हैं, उनको खिला रहे हैं 10 की सड़ी हुई नमकीन, और उसको 50 बेच रहे हैं, जो कि 50 में देंगे, अभी पूछा नहीं कितने के देंगे, बट मुझे लगता नहीं कि सस्ती तो नहीं देंगे, क्योंकि भैया कितने की माए पक्षी भी आना छोड़ देंगे कुछ टाइम बाद, कहेंगे यार हमें अच्छा चक्रा नहीं खिला रहे। सस्ती क्वालिटी का है, महंगा है, लेकिन है अच्छी क्वालिटी का नहीं है।
तो अभी पंछी हमें दिखेंगे, आपको दिखाएंगे हम क्या है सीन। और इनका सुबह सुबह नाखून टूट गए, नाखून खिला दो पंछियों को। यार कैसे हो आप? अगले साल से वो इंडिया आना छोड़ देंगे। निकाल दो। अब ये भी हमसे पूछ रही है, अगर हम हाँ बोलेंगे तो भी हम फंसेंगे, अगर हम ना बोलेंगे तो भी हम फंसेंगे, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है इस केस में। ये आप लोगों को शादी के बाद की एडवाइस दे रहा हूँ। चुप रहिए, चुप रहिए और खुश रहिए। हम बहुत जल्दी स्टोरीज बना रहे हैं। अगला पड़ाव है हमारा बोध गया। बोध गया लेकिन अब अभी नहीं गया, कल गया। और यह है पदार्थ भाई चखना खिला रहे हैं लोग इनको, और चिड़िया पीछे पड़ी हुई हमारे। बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, मेरा मन कर रहा है मैं यहीं रह लूं हमेशा के लिए। जब गंगा मैया बुलाएगी इनको बहुत सारी चीज सिखानी पड़ती है, क्योंकि ये अभी छोटी बच्ची है और दिमाग इनके पास है नहीं। हमेशा मेरी जब हम आ चुके हैं फाइनली बोटिंग के बाद घाट वापस, अरे दादा हमें बुला रहा है फोटो खींचने, तो फोटो वोटो खींच के फिर हम जाने वाले हैं कचौड़ी और सब्जी खाने, जो हमने कल सुबह भी खाई थी। तो फिर हम दोबारा कचौड़ी वचौड़ी खाएंगे, और सुबह सुबह बहुत मजा आ गया। हमने पूरी जहाँ से स्टार्ट करी थी, काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे को घाट है, बहुत सारे घाट हैं, इधर से उधर मंदिर हैं, बहुत लंबा गंगा जी का पूरा टूर करके आए अभी, जिसमें कि 100 रुपये पर हेड लिया गया हमसे पैसा। तो 100 रुपये में बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस सुबह सुबह के टाइम, और बनारस की यही खूबसूरती है शायद। और गाइस एंड टुडे इज 3rd of December 2021, जिसमें हम लोग कर रहे हैं फन। और मैं रेडी हूँ फोटो क्लिक कराने के लिए, मेरी कोई फोटो क्लिक ही नहीं कर रहा है। और रुद्रांत तुझे बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं, बाय गॉड। चले गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद। टुडे इज 3rd of December 2021, जिसमें हम लोग कर रहे हैं फन। फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम पिएंगे भांग, देखते हैं क्या होता है। सोमी फ्लेवर डिसाइड कर रहा है कि कौन सा फ्लेवर लेना चाहिए। तीनों ही पियेंगे, कल सोमी ने 2 ग्लास पिए लेकिन सोमी को कुछ नहीं हुआ, तो हमने कहा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं आज, देखी जाएगी। एक घंटे के लिए हम रूम में जा रहे हैं, सुबह के 10 बज चुके हैं, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और अंकल ने बनाना शुरू कर दिया है। कुछ नहीं होता है यार। बोलो डांस। तो सोमी ने भांग हमारे लिए मीडियम और अपने लिए स्ट्रॉन्ग करवाई है। तीनों स्ट्रॉन्ग बनवा देंगे। नहीं नहीं, दो मीडियम बनाओ और मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बना लो। देखो ये हुआ शेक 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 शेक। और ये हमारी पार्टी शेयर के लिए लिया लिया लिया। आई गेस को बीजेपी नहीं चढ़ी, तेरे को तो उधर जाके हैं अंकल, ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चढ़ने वाली होती नहीं भाई वो।
देखूंगा। और उधर हम तुझे मिस नहीं कर रहे हैं। बाग चीज आयुर्वेदिक कुछ ही टाइप का हो रहा है, थोड़ा पता चल रहा है कि हाँ कुछ है। इसके कभी भी नहीं तो बहुत मजा आता हूँ। बल कोर्ट भी नहीं, मुझे बंद नहीं दिए भली भांग लगाए। तो उसने भी खत्म कर लिया, टोमी का भी चल रहा है। अंकल थोड़ी देर बाद दूसरा फ्लेवर टेस्ट करने हाँ आगे से हल्का हल्का नशा कुछ हुआ तो हम भी फिर ट्राई कर लेंगे। आफ्टर थोड़ी बहुत थकान हमने पी ली है भांग, अब जा रहे रूम की ओर। अब देखते हैं भांग कैसा असर करती है, रूम पे आगे पता चलेगा। चलो मिलते हैं ब्रेक की बात। बाय। 3 hours later. So today is 3 December 2021 पे हम जा रहे हैं मंदिर को। फाइनली हम सुबह आज काफी औसम तरीके से सुबह 4 बजे वो सब छोड़ो, मेन मुद्दे की बात करते हैं। हम लोगों ने ट्राई करी थी सुनने से पहले भांग, मुझे कुछ नहीं हुआ, स्वामी को कुछ नहीं हुआ, बट मनीषा के दिमाग ने और होश आवाज ने मनीषा को बोल दिया खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। गया तो बड़ी मुश्किल से मनीषा को उठा के लाए हैं। फ्लैश बैक। उठो मनीषा। मनीषा उठो, चल मौसी को वीडियो कॉल करता हूँ। मौसी से कहता हूँ मौसी देखो हम क्या कर रहे हैं। मौसी यही तेरी बात उससे करा भाई, मैं पसंद ऐसा मत कर लो। उठो उठो मनीषा, अबे यार नहीं उठेगी भाई ये। उठो मनीषा। एंड अ फ्लैशबैक। दुर्गा पीठ को जा रहे हैं हम। हाँ दुर्गा दुर्गा को, हाँ दुर्गा को। तो फिर वहाँ से होगी आगे कार्रवाई। आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूँ। ये अब ठीक है, चलो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं कि इनके सपनों में क्या कहते हैं कितना वो है बल है। तो पहले माँ दुर्गा के मंदिर में उनके दर्शन कराए, अभी हम चल कर पहुँचे मंदिर में भी अंदर गए हैं, वहाँ कैमरा अलाउड नहीं थे तो हम बाहर से ही व्लॉग बना ले रहे हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे वापस अपने होटल की ओर और वहाँ देखेंगे कि हम आगे क्या खाते हैं और कहाँ घूमने जाते हैं। डोंट माइंड, शी हैज नो माइंड राइट नाउ। बाय। ए फ्यू मिनट्स लेटर। सो वी हैव रीच्ड श्री विश्वनाथ मंदिर। मंदिर से बाहर आ गए हैं, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही प्यारा भजन वजन की तरह से मूर्तियाँ वगैरह बहुत हमारे पीछे देख सकते हैं आप। बीएचयू का कैंपस देख सकते हैं, इस तरह भी है बड़ा कैंपस है बीएचयू का। अभी जहाँ मंदिर बनाए थे वहाँ भी आप देखेंगे, अभी काफ़ी अच्छा मंदिर लगा मेरे को और वहाँ फोटोग्राफी पे अलाउड थी तो हमने उसको अच्छे शूट भी कर पाया, अंदर भी शूट किया हम लोगों ने। बाकी मंदिरों में कहीं पर भी कैमरा अलाउड नहीं है तो अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है बनारस में और आज ही हमारा आखिरी दिन है। खुशी हो रहा है कि ये दिन खत्म होने वाला है इतनी जल्दी। अच्छा बहुत देर में दुख हो रहा है इनको। तो अब हम यहाँ से वापस होटल की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि टमाटर चाट खाने को फिर से मिल जाए। अगर नहीं हुआ तो कुछ और ऑप्शन देखेंगे कि क्या मिल सकता है, नहीं तो बिरयानी जिंदाबाद वो भी खा सकते हैं। वो वेज वाली बिरयानी भी अच्छी थी कल रात वाली। ठीक है, मैं मलाई खाना है, कभी सुबह का मूड हो रहा है कि मलाई भी खाई लेता हूँ। तो बहुत ऑप्शन है, अभी मुझे शिफ्ट भी करनी है तो रात भर घूमेंगे, आरती वारती भी देख लेंगे, बाकी देखते हैं किस में आरती आती है क्या आती है। देख लेंगे, चलिए बताते हैं आगे बात में। सो टुडे सेकेंड ऑफ दिसंबर 2021 और हम लोग कर रहे हैं फन। हमारे ट्रिप के मेन कलाकार हैं मिस्टर विवेक, जिन्होंने इस ट्रिप को आसान कर दिया और हमारे लिए बनारस
घूमना बहुत इजी हो गया और बहुत सॉर्टेड, और हमने बनारस बहुत अच्छी कम टाइम में अच्छी तरह एंजॉय कर लिया। अगली बार जब हम आएंगे तो आप लोग को, अगर हम आपके साथ आए तो आपको भी घुमा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका नंबर पब्लिक कर दें। ये नहीं करेंगे, हम घुमा सकते हैं बोला। हाँ, हम घुमा सकते हैं। और इस वक्त लेके आना पड़ेगा, लेकिन हमारा खर्चा भी झेलना पड़ेगा। तो इस वक्त हम विवेक भाई की राय पे खा रहे हैं बैम्बू बिरयानी, जो कि वेज है। मुझे लग रहा था कि बैम्बू में ही बांध के देंगे, बट कोई बात नहीं, प्लास्टिक भी जिंदाबाद। और हम पार्टी इंजॉय करेंगे, हमारी पार्टी हो रही है तो बनाते स्टेटस वगैरह, व्लॉग वगैरह तो चलता रहेगा। बाकी हम बिरयानी खाने के बाद बता देंगे बिरयानी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा ही होगा वैसे तो, बैम्बू बिरयानी भाई याद ना भाई से एक ही लग तो सही रही भाई। हाँ, वो दिखने में लग रहा था कि उसको वो मुर्गी मरी हुई थी पहले से, और उसने उसकी चिता में आग लगा के बिरयानी बना दी। 3 दिन पहले की मरी हुई होगी भाई, वो सच में कौवा बिरयानी टाइप का था। मीट ऐसा लग रहा था कि यार कहीं गलत। अरे बिरयानी सर्व हो रही है, ये शक्ल सही लग रही है। तो हम खाते हैं फिर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ये रिकॉर्डिंग मोबाइल से हो रही है, कैमरे से नहीं। 6.5 hours later 4th of December 2021, जिसमें हम करेंगे फन, क्योंकि मुझे अभी आ रही नींद और अब जाने का वक्त आ गया है, बनारस को छोड़ने का वक्त आ गया है। और ये हैं हमारे कलाकार जिनकी वजह से हम पूरा ट्रिप मार पाए सक्सेसफुली, ठीक है, पूरे बजट में रही और बहुत ही स्वादिष्ट ट्रिप रही। मतलब बनारस इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था, उससे ज़्यादा हमें मिला है बनारस में बहुत कुछ। मतलब ये टमी अगर आप देख रहे हो, पढ़ता हूँ तो स्माइल कर रहा है, इतना खाया है हमने। तो इनके लिए हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमने कहा चलो एक सुवेनियर के तौर पे कुछ तो होना ही चाहिए, तो एक छोटी सी भेंट। हम मुझे पता नहीं तुम्हें चॉकलेट पसंद है कि नहीं, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो अब अगली बार मैं अपनी मम्मी मौसी सबको लेके आऊँगा यहाँ पर बनारस ओवर विंटर्स में, ताकि वो लोग मलाई वगैरह खा लें। तो हम निकलेंगे बोधगया की ओर, मिलते हैं ब्रेक के बाद।